अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ्रीजर के साथ जमी हुई आइस को मेल्ट करने का तरीका बताऊंगा। अक्सर लोग फ्रीजर में जमी हुई आइस को मेल्ट करने के चक्कर में अपने फ्रीजर में गैस लीक कर बैठते हैं। इस वक्त हम एक फ्रीजर बॉक्स देख रहे हैं। आपने जब भी फ्रीजर की आइस मेल्ट करने के लिए उसे खोलना है तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि इसकी कितनी दीवारों पे आइस जमी हुई है। जहां जहां पे आइस जमी होगी समझ लें कि इसके वहां वहां पे पाइपिंग हुई हुई है। आपने इतने एरिया में किसी शार्प चीज, नाइफ, चाकू, छुरी टाइप की किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको साफ करने से पहले हमें सबसे पहले फ्रिज को बंद कर देना है। इस आइस के मेल्ट अगर आप करेंगे तो आपको कम से कम घंटा डेढ़ इसके मेल्ट होने में लग जाएगा। हम इतनी देर वेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि गर्मियों में फ्रीजर में जो कुछ रखा होगा वो इतनी देर में खराब होने का अंदेशा होगा। इसलिए हम इसे मेल्ट करने के लिए प्लास्टिक का एक नाइफ, जिसे स्पैचुला भी कहते हैं, जिसकी मदद से हम इसकी आइस को इसके साथ से उखाड़ेंगे। और ये जल्दी नहीं उखड़ेगी तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि कुछ गर्म पानी, कुछ बॉयल वाटर लेंगे और उसे इस तरह के शावर में गर्म पानी डाल के इसकी सेटिंग को आप एंटी क्लॉक घुमाएंगे तो पानी का फ्लो तेज हो जाएगा, इसका प्रेशर दूर तक जाना शुरू हो जाएगा। तो आप इस तरह गर्म पानी भी इसके ऊपर इसकी मुख्तलिफ जगहों पर डाल सकते हैं जहां से आपने बर्फ को मेल्ट करना है। फ्रेंड्स, आपने एक चीज को बहुत एहतियात से लेना है कि इसमें जब आइस बहुत ज्यादा जम जाती है तो इसमें बर्फ के प्याले जो इसकी दीवार के साथ आपने लगा के रखे होते हैं उनको आप धक्के दे के इस तरह उखाड़ने की कोशिश करते हैं। इसकी फ्रीजिंग प्लेट में से पाइप गुजर रहे होते हैं, जब आप उन बर्तनों को धक्का लगाते हैं तो वो फ्रीजिंग पाइप ब्लॉक हो जाते हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता, और बहुत दफा तो वो पाइप लीक होने का चांस भी होता है क्योंकि इन साइडों पर बर्फ तो अपने आप जमती है लेकिन जो नीचे हार्ड वाली बर्फ जमती है वो आपके प्यालों में से जो पानी बाहर गिरता है उसकी वजह से जमती है। जिस तरह हमारा ये एक जार इस बर्फ के अंदर फंसा हुआ है तो हम इसे धक्के दे दे के नहीं निकाल लेंगे। जैसे जैसे बर्फ थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो आपने उसको खुद से इस नाइफ के जरिए फाड़ना शुरू कर देना। डीफ्रॉस्ट फ्रिजों में इस चीज का ज्यादा मसला नहीं होता अगर उनके सारे कंपोनेंट काम करते हों तो। उनमें हीटर होते हैं, जब आपका फ्रिज ट्रिप करता है उनके हीटर ऑन हो जाते हैं और वो फौरन से बर्फ को मेल्ट कर देते हैं तो इस कदर बर्फ नहीं जमती उसमें। फ्रेंड, ये जो ऊपर से इसकी साइडों से बर्फ उतरती है जो बिल्कुल साफ होती है, ये आप अपने यहां से निकाल के, तो अगर आप पानी का एयर कूलर चलाते हैं कूलर में भी डाल सकते हैं उसका पानी ठंडा करने के लिए, इसमें भी यूज कर सकते हैं। शावर से आपने इस एज पे पानी डालने की कोशिश करनी है ताकि पानी ऊपर डलने की बजाय इसके पीछे वाली जगहों पर जाए ताकि ये बर्फ पीछे से दीवार को छोड़ दे और आगे को आ जाए। ये इसके पाइप है, यहाँ इसमें से गैस गुजरती है। आपने किसी भी सूरत इन पाइप्स को डैमेज नहीं होने देना, मतलब प्लास्टिक के नाइफ को भी आपने इस पे सीधा अप्लाई नहीं करना, टेढ़ा अप्लाई करना है, इस तरह बर्फ उतारनी है। आपने कभी भी इसको ऐसे मार के नहीं उतारनी क्योंकि ये सिल्वर की पाइपिंग होती है, ये प्लास्टिक के नाइफ से भी डैमेज हो सकती है। हमें इस सारी बर्फ को मेल्ट नहीं करना, हमें इसे सिर्फ दीवार से छुड़वाना है। इसलिए अगर हम बाउल से पानी भी डालेंगे तो हम इस जगह पे डालेंगे, इस जगह पे। फ्रेंड्स, इस फ्रिज में कंपनी की तरफ से ये वाली प्लेट साथ आई हुई है तो आपके अगर फ्रिज में ये वाली प्लेट नहीं आए तो आप इस तरह की प्लेट नीचे रख सकते हैं एहतियात के तौर पे इसके ये पाइप्स बचाने के लिए। इस सिल्वर की प्लेट जो प्रिंटिंग प्रेस की शॉप से मिल जाती है। फ्रेंड्स, जिस तरह नीचे वाले पोर्शन में मैंने आपको पाइप के खोलने का तरीका बताया था, इसी तरह ये इसके ऊपर वाले पोर्शन में भी एक पाइप लगा होता है। इसके अंदर भी बर्फ जम जाने से ये पाइप बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। हम इसके अंदर गर्म पानी डाल के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। कुछ फ्रीजर्स का ये पाइप यहीं से फ्रिज के बाहर निकल जाता है और बाहर से ही कंप्रेसर के ऊपर वाले टब में चला जाता है, लेकिन ज्यादातर ये पाइप फ्रिज के नीचे वाले पोर्शन में जाता है। एहतियात के तौर पे फ्रेंड, हम इसमें शार्प चीज कोई नहीं मारेंगे तो आप एक अदद कोई ब्रश लेके जो नॉर्मल साइज का हो, हम इस कटर की मदद से उसको आगे से थोड़ा बारीक कर लेंगे। फ्रेंड्स, घर में कोई भी वेस्ट ब्रश लेके उसको आगे से आप इस तरह बना के ऊपर को, ऊपर की बजाय हमने नीचे से ब्रश मार के तो इसको इस तरह ऊपर को उठाया तो इसमें से आपके सामने ये वाली बर्फ सारी बाहर निकल आई और अब ये यहां से पानी सारा नीचे जा रहा है। फ्रीजर इस वक्त बिल्कुल एक्यूरेट साफ हो चुका है। ये चेक करें, अगर ये प्लेट नहीं बिछी होती तो पक्का फ्रिज की गैस लीक हो जानी थी।
ये प्लेट फ्रिज की हिफाजत के लिए ही होती है। अब हम फ्रिज को ऑन करके यूज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपसे किसी शार्प चीज से गैस लीक हो जाती तो मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। इसके साथ साथ अगर आपके डोर वजन की वजह से लटक जाते हैं और सही प्रॉपर बंद नहीं होते, उसकी भी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर मसले का हल आपको एक ही चैनल पर बर वक्त मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।